बाकी जगह सिर्फ एक पार्टिकुलर इंसान, एक खास इंसान का रेप होता होगा, लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो मुझे लगता है बिहार के पूरे सिस्टम का रेप हो चुका है। नमस्कार, मैं सुमित शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं शुक्ला लाइफ चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार रेप केस के बारे में। बिहार रेप केस से मतलब है बिहार के पूरे सिस्टम का, रेप हो चुका है ऐसा मुझे लगता है। आप अगर पॉलिटिकल सिस्टम देख लीजिए, कानून व्यवस्था देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन लाइन में जो करप्शन है आप उसको देख लीजिए, जरूरी सेवाएं जो गवर्नमेंट की जरूरी सेवाएं होती हैं वो सरकार से लेकर लोगों तक पहुंचने के बीच तक जो करप्शन है आप उसको देख लीजिए, हमारे बिहार के हॉस्पिटैलिटी को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हमारे पूरे सिस्टम का रेप अच्छी तरह से हो चुका है। ये सब बोलने के पीछे कुछ रीजंस हैं। हमारे बिहार के सबसे बड़े हॉस्पिटल कहे जाने वाले पीएमसीएच के अंदर किसी लड़की का अगर रेप वहां के गार्ड द्वारा किया जाता है तो सवाल तो उठते हैं, उंगलियां उठाई जाती हैं, लेकिन फिर और ज्यादा सोचने की बात तब आती है जब उंगलियां उठाने के बावजूद जो अभी इल्जाम लगाए जा रहे हैं उस हॉस्पिटल पे, उसका जवाबदेही देने वहां से कोई नहीं आता। ये चीजें, जवाब ना देना, ये चीजें साबित कर देता है कि जी हाँ, वहां पर ऐसी कुछ घटिया कामें हुई हैं। वो एक ऐसी लड़की जो कोरोना की पेशेंट है वहाँ भर्ती हुई है, वहाँ उस लड़की का रेप वहाँ के गार्ड द्वारा किया जाता है, तो ये काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी शर्मसार कर देने वाली घटना है और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की डिमांड करनी चाहिए और सब कोई करे इस चीज़ पे। इतने बड़े हॉस्पिटल में CCTV का ना होना, या फिर होने के बावजूद भी अगर वो चीज़ें फंक्शन ना करती हो, वो CCTV फंक्शन ना करती हो, ये चीज़ें काफ़ी हैरान कर देने वाली और काफ़ी घटिया चीज़ें हैं कि इतने बड़े हॉस्पिटल में ये चीज़ें काम फंक्शन नहीं होता हो, एक CCTV कैमरे की फुटेज ना मिल पाए। ये चीजें काफी ज्यादा शर्मसार और दिमाग खराब कर देने वाली है, बिहार के सिस्टम पे काफी ज्यादा उंगली उठाने वाली चीज है ये। अब ये चीजें ऐसी नहीं है कि पीएमसीएच वाला जो मामला है वो पहला ऐसा मामला है जिसमें बिहार के सिस्टम पे उंगलियां उठ रही हैं। आप 2-3 दिन पहले अगर जाएं तो आपको बिहार के अररिया का एक और केस देखने को मिलेगा, जहां पे एक लड़की जिसका गैंग रेप हो चुका है वो अपना केस दर्ज कराने जाती है पुलिस स्टेशन। वहाँ पे कोर्ट में जाके मजिस्ट्रेट के पास उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के बाद वो, जब वो मजिस्ट्रेट के रूम से बाहर निकलती है और अपने दोस्त साथियों से ऊंची आवाज़ में बात करती है, मजिस्ट्रेट द्वारा उसे अंदर बुलाया जाता है और फिर कुछ वाद विवाद होने के बाद से उस रेप पीड़िता को ही जेल में डाल दिया जाता है। ये चीज़ें हो रही हैं बिहार में। और बिहार के DGP जो हैं गुप्तेश्वर पांडे जी, विकास दुबे, अगर हमारे बिहार में एंट्री करता है तो वो सही सलामत वापस नहीं जा सकेगा, ये कहते हैं हमारे गुप्तेश्वर पांडे जी नज़र आते हैं। लेकिन अगर सही बात देखें तो हमारे बिहार में कितने सारे बहुत ही बड़े बड़े खूनखार अपराधी बाहर घूम रहे हैं, वो भी निश्चिंत रूप से घूम रहे हैं, उन्हें कोई पकड़ने वाला नहीं है। कितने सारे मर्डर्स हो रहे हैं, उसके आरोपी पकड़े तक नहीं जा रहे हैं, पुलिस कानून व्यवस्था की पकड़ तक नहीं आ रहे हैं। और हमारे DGP साहब दूसरे स्टेट के जो गुंडे हैं उनको पकड़ने की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जितना भी करप्शन हो रहा है, जिस भी फील्ड में आप देखिए, बिहार के किसी भी सिस्टम में आप देखने की कोशिश करिए, किसी भी पॉलिटिकल लाइन में देखिए, सबसे ज़्यादा करप्शन वहाँ पे है। कंस्ट्रक्शन लाइन, जो भी सड़कें वगैरह बनाई जा रही हैं आप खुद देख सकते हैं, पुल ढह जा रहे हैं। अभी हाल ही के केस में पुल ढह गया, 264 करोड़ का बताया जा रहा है, 264 करोड़ की लागत वाला पुल 1 महीने भी नहीं चला, ढह गया। कहाँ से आ रहा है इतना ज़्यादा करप्शन? एक हॉस्पिटल जिसे सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है बिहार का, वहाँ पे रेप की घटनाएं हो रही हैं। उस हॉस्पिटल में कोरोना पीड़िता के साथ, मतलब जो कोरोना पेशेंट है उसके साथ रेप कर दिया जा रहा है, वो भी वहाँ के गार्ड के द्वारा। ये कितनी हैरान करने वाली है और कितनी ज़्यादा सवाल उठाएंगे बिहार के सिस्टम को लेके। आज बिहार के ट्रैफिक रूल्स की धज्जियाँ उड़ा के आप सिर्फ 50 रुपये पुलिस की जेब में डाल के आराम से अपने घर पे जा सकते हैं कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए। और ये ऐसी बात नहीं है कि मैं कानून पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, ये हकीकत है और आप लोग बेहद अच्छी तरह से जानते हैं इन सब चीज़ों को। आज जिस डिपार्टमेंट में देखिए, बिजली विभाग हो गई, जिस भी विभाग में देखिए कितना ज़्यादा करप्शन है आप खुद जान सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद सबसे ज़्यादा सवाल तो तब उठता है जब बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सरकारी सबसे बड़ा हॉस्पिटल पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उसमें एक लड़की के साथ इतना गलत होता है, वो भी उस लड़की के साथ जिसको कोरोना है, उसका कोरोना पॉजिटिव है, उसका आइसोलेशन वार्ड में रेप किया जाता है, वो भी वहाँ के गार्ड के द्वारा। तो ये कितनी ज़्यादा मानवता को शर्मसार करती है और बिहार के सिस्टम को कितना ज़्यादा और मुंह के बल गिराने की कोशिश करती है। क्या इस चीजों पर हमें सवाल उठाने का हक नहीं है? क्या सिर्फ इसी भ्रष्टाचार की वजह से हम बिहारी अगर किसी भी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहां पे हमें बहुत ही हीन भावनाओं से देखा जाता है? गलती हमारी और आपकी नहीं है, गलती यहाँ पे है नेताओं की, गलती है, गलती यहाँ पे भ्रष्टाचार की है, जितने भी सरकारी विभाग हैं उसमें हो रहे भ्रष्टाचार की गलती है, और जिसका सामना हमें करना पड़ता है। दूसरे जगह दूसरे स्टेट में जाके हमें निश्चित भावनाओं से देखा जाता है, निश्चित दृष्टि से देखा जाता है। अब जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम उस अररिया वाली लड़की और जो भी पीएमसीएच में हुआ उसको लेके अपना आवाज उठाएं। अररिया वाली लड़की ने जो भी किया, कोर्ट की अवमानना की, मुझे पता है कोर्ट की अवमानना करना बिल्कुल ही अपराध है, लेकिन आप सोचिए जिस लड़की के साथ ऑलरेडी उतना ज़्यादा गलत हो चुका हो, जिसके साथ रेप हो चुका हो, वो लड़की और किस तरह से रिएक्ट करेगी अगर उससे उसके सवाल जवाब किए जाएं, उसे रेप रिलेटेड सवाल किए जाएं, जिसका गैंग रेप हो चुका है, जो मेंटली इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है कि वो अपने घर से बाहर रहती है, उन संघ के लोगों के साथ रहती है जो लोगों ने उनकी मदद की थी। आप उससे जो भी पूछताछ करते हैं, हो सकता है बिल्कुल पॉसिबल है कि वो थोड़ा सा उटपटांग बोले, क्योंकि उसके साथ उतना गलत हुआ है, उसे बोलने का अधिकार है, क्योंकि उसके साथ जब गलत हुआ तब कानून व्यवस्था नहीं थी उतनी टाइट, उतनी कानून व्यवस्था कहाँ थी? अगर कानून व्यवस्था हमारी उतनी टाइट होती तो शायद ऐसी घटनाएं सामने ही ना आती। किसी सिक्योरिटी गार्ड की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो किसी हॉस्पिटल के पेशेंट के साथ इतना गलत कर दे। अब इन चीज़ों पे आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है। बिहार के नागरिक होने के नाते मैं अपना ये वीडियो बना रहा हूँ, आप बिहार के नागरिक होने के नाते आप इस वीडियो को कितना ज़्यादा फैला रहे हो और इस मैसेज को कितना ज़्यादा फैला रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं अररिया वाला जो भी केस है और पीएमसीएच वाला जो भी केस है, मैं नहीं कहता कि उसमें आरोपी जो भी हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, नाजायज़ हैं, कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि बस उन सब चीज़ों की एक अच्छे से जाँच हो, उन सब चीज़ों की एक अच्छे से जाँच हो, मेरा बस ये कहना है। और पीएमसीएच वाला भी जो मैटर है उसका भी अच्छे से जांच हो, और अररिया वाला केस जो है उसका भी अच्छे से जांच हो, मैं बस ये चाहता हूँ। मैं किसी को दोषी या फिर किसी को अपराधी ये घोषित करने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं ये चीज़ें नहीं बताने आया हूँ कि कौन गलत है और कौन सही, लेकिन मैं चाहता हूँ एक निष्पक्षता के साथ जाँच हो और जो चीज़ें क्राइम हो रही हैं उस पर ध्यान दिया जाए। अगर हमारे लोग अगर हमारे स्टेट को देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा और शायद हम थोड़े से आगे बढ़ सकेंगे। जितना करप्शन में हम गिरे हुए हैं, शायद यहाँ से थोड़ा सा निकलने की हम कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज बस इतना ही, आज मुझे बस इन चीज़ों पे बात करनी थी, मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे बात करनी ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अब आपका काम है इसे शेयर करना। अगर आप इस वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा, और शेयर नहीं करना चाहते तो अपने सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ इस पर रिएक्ट ज़रूर करिएगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ डिमांड नहीं है। अगर शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर करिएगा, और नहीं करना चाहते तो अपने सोशल मीडिया पर कुछ ज़रूर पोस्ट करिएगा इससे रिलेटेड। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नई वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।